नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कपास में लगने वाले अल्टरनेरिया लीप स्पॉट के बारे में, यानी कि झुलसा रोग के बारे में। यह एक फफूंद जनित रोग है जो अल्टरनेरिया मैक्रोस्पोरा नाम के फफूंद से फैलता है। साथ ही एक बीज जनित रोग है जो हवा, पानी, वातावरण की नमी के हिसाब से फैलता रहता है। 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर अल्टरनेरिया लीप स्पॉट जो बीमारी है और अधिक नमी की कंडीशन में बहुत तेजी से फैलता है। झुलसा रोग के लक्षणों की बात करें तो पत्तियों पर छोटे गोलाकार को दाग दिखाई देंगे और पूरी पत्ती पर ये दाग आपको दिखाई देंगे। प्रारंभ में ये रोग बैंगनी कलर का दिखाई देता है और बैंगनी कलर के किनारे होकर छोटे गोलाकार पूरी पत्ती पर आपको धब्बे दिखाई देंगे और ये धब्बे 1 से 10 mm के होंगे और ये अंत में सूख कर पत्तियां गिर जाती है। अगर इन धब्बों के पैटर्न की बात करें तो ये केंद्रीकृत यानी छल्लेदार पैटर्न आपको दिखाई देते हैं, यानी गोल छल्ले दिखाई देंगे। नमी की स्थिति में फंगस भारी मात्रा में बीजाणुओं का उत्पादन करता है और घाव एक राख जैसा काला रंग पैदा करता है। अगर स्टेम पर लक्षणों की बात करें तो घाव की शुरुआत छोटे धसे हुए धब्बों से होती है जो बाद में बड़े होकर उत्तक कटने फटने लगते हैं और गंभीर संक्रमण के मामले में कलियां तक झड़ सकती है। किसान भाइयों, कपास की फसल में अल्टरनेरिया पत्ती रोग या झुलसा रोग के नियंत्रण के लिए पोटास की मात्रा आपको बहुत ही ज्यादा मात्रा में देनी है। साथ ही आपको खरपतवार प्रबंधन करना है अच्छे से और उसको ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई भी करना है और क्रॉप रोटेशन भी कर सकते हैं कि अगर आपकी फसल में बार बार ये रोग दिखाई दे रहा है तो आप उसकी जगह दूसरी फसल भी लगा सकते हैं, जैसे कि आपको अनाज के साथ कपास लगा सकते हैं। किसान भाई, उसके नियंत्रण के लिए आपको रेजिस्टेंस वेराइटियाँ का इस्तेमाल करना है। रोग के नियंत्रण के लिए आपको पौधे से पौधे की दूरी बढ़ाकर रखनी है जिससे कि हवा का जो आवागमन है वो अच्छे से हो सके। किसान भाई अपने खेत का लगातार निरीक्षण करते रहे, अगर इस तरह के सिम्टम दिखाई दे तो इन्हें सिम्टम्स को कलेक्ट कर उन्हें नष्ट कर दे, साथ ही पर्याप्त मात्रा में सिंचाई देते रहे। किसान भाई, अगर जैविक नियंत्रण की बात करें तो स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस की 10 ग्राम मात्रा प्रति किलो सीड की दर से आपको ट्रीटमेंट करनी है। अगर स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस की स्प्रे की बात करें तो आपको 0.2% का स्प्रे करना है प्रत्येक 10 दिन के अंतराल पर। रासायनिक नियंत्रण की बात करें तो मेनकोजेब या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं। साथ ही आप स्ट्रेप्टोमाइसिन की 1 ग्राम मात्रा प्रति 10 लीटर पानी में मिलाकर 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 छिड़काव करें। साथ ही आप हेक्सोकोनाजोल की 1 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में या टेबिकोनाजोल या डाइफ्लोनाजोल की भी 1 ml मात्रा प्रति लीटर की दर से 1 से 2 स्प्रे अपनी फसल पर करने चाहिए। किसान भाई, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।